कोई जानवरों की भाषा समझने में इंटरेस्ट रखता है, कोई फूल पौधों की, और मैं बहुत खास चीज पे कम्युनिकेट करता था। बचपन से जब भी किसी पेड़ को गुड़गुड़ाते हुए सुना, लगता था जैसे मुझे बुला रहा है, आओ हमारी बात सुनो। स्पिरिचुअल कनेक्शन, पेड़ को सेकंड ब्रेन कहते हैं, उसकी अपनी एक भाषा होती है और उसे समझने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। कितने पापड़ बेले खाओ गली में घूमता रहता था, क्योंकि वहां मदद के लिए पुकारते कई पेड़ मिलते थे। अजनबी शादियों में घुस जाया करता था, जहां लोग फ्री का खाना सोचकर जो सामने हो दबा देते थे। एक बार पकड़ा भी गया, कसम से बहुत कुटाई हुई, पर मैंने कहा ये पापी पेट के लिए कुछ भी करेगा। हर पेट में दर्द था, हर कहानी में तकलीफ थी, इनकी बात को दुनिया तक पहुंचाना मेरा मिशन बन गया। मेरे पास कई तरह के पेट आते हैं, गुड़गुड़ाते, बुलबुलाते, दहाड़ते, सिटियाते, चरमराते, फुसफुसाते, जो लोगों के लिए शोर है पर मेरे लिए कविता है, पोइट्री है। लेकिन कई बार ये इशारों में बात करते हैं, फूल जाएंगे, एसिड अटैक करेंगे अटेंशन के लिए। कह रहा है बड़े गट्स है आप में, इसे एक बार चीटेंगे, दो बार चीटेंगे, ठीक है, पर रोज रोज सेजवान डोसा। बड़ा शिकायती हो रखा है आज, आपकी रैंडम लाइफस्टाइल पोल खोल रखा है बेटा, हम खाने में बड़े पंक्चुअल हो, है ना। गुस्से में सिर्फ गाल ही नहीं बोलते, ये कह दीजिए अपने ससुराल वालों से कि नो मीन्स नो, अगली बार जब मिठाई मुंह में ठूसे। लुपिजाइन प्लस, मैं तो सिर्फ पेट की भावनाओं को समझता हूं, पर ये बहुत बड़ा काम करता है। ये इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, फ्लैटुलेशन, गैस और एसिड से आराम दिलाता है, पेट की शिकायत दूर करता है, फिर मुझे चैन मिलता है।